मेरे सपनों में कौन आता है, बचपन यौवन या बुढ़ापा। मैंने फ्लैशबैक की बात की है, मेरे सपनों में कौन आता है, बचपन यौवन या बुढ़ापा। बचपन में जाना अच्छा लगता है, बचपन में जाना अच्छा लगता है, हर तनाव से मुक्त, हर चिंता से मुक्त, माँ की गोद में रोते हंसते हुए बैठ जाना अच्छा लगता है। मेरे सपनों में कौन आता है, बचपन यौवन या बुढ़ापा। यौवन में आते ही खो जाता हूं, यौवन में आते ही खो जाता हूं, आने वाले कल में, यौवन में आते ही खो जाता हूं, आने वाले कल में, भविष्य की कल्पनाओं में। अब रोता हूं तो आंसू छुपा लेता हूं कि कहीं मां ना देख ले। अब रोता हूं तो आंसू छुपा लेता हूं कि कहीं मां ना देख ले। पहले रोता था कि मां देख ले। यही है बचपन और यौवन के बीच की लक्ष्मण रेखा। अच्छा। यही है बचपन और यौवन के बीच की लक्ष्मण रेखा। मेरे सपनों में कौन आता है, बचपन यौवन या बुढ़ापा। पर ये मेरी अपनी सोच है, बुढ़ापे में भी लोग बहुत अच्छा करते हैं। शक्तिचंद जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। मैं सर को बहुत सालों से जानता हूँ, पर मैं बुढ़ापे के सपने देखना नहीं चाहता क्योंकि यही पूर्ण विराम है जीवन का, यही पूर्ण विराम है जीवन का। मेरे सपनों में कौन आता है, बचपन यौवन या बुढ़ापा। आप सबने इतनी तन्मयता से, ध्यान से मेरी कविता सुनी, मुझे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।